हेलो जिन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर पोएम ऑफ योर इंग्लिश बुक अमांडा बाय रॉबिन क्लीन। सो देखिए, ये जो पोएम है अमांडा, इससे पहले हम इसको स्टार्ट करें, एक बार साथ में बोलते हैं, इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है, बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट, ये जो पोएम है अमांडा, यहाँ पे एक टीनेजर गर्ल है अमांडा, उसकी साइकोलॉजिकल स्टेटस को दर्शाया गया है कि वो अपनी लाइफ कैसे चाहती है, किस तरह की अपनी लाइफ के बारे में सोचती है, और उसके पेरेंट्स उसको किस तरह से उसकी लाइफ को चाहते हैं। तो दोनों के ही बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है, एक तरफ अमांडा की थिंकिंग है अपनी लाइफ को लेकर के, और एक तरफ उसके पेरेंट्स की थिंकिंग है उसकी लाइफ को लेकर के। सो देखते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है। देखिए, ये जो ब्लैक कलर से है, ये वो लाइंस है जो उसके पेरेंट्स अमांडा से कहते हैं, और उसी जगह पे जो ब्लू कलर की लाइंस है जो ब्रैकेट में है, ये अमांडा के थॉट्स हैं जो अमांडा अपनी लाइफ से चाहती है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो अमांडा के जो पेरेंट्स हैं अमांडा से कहते हैं, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नाखूनों को मत काटो अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अपने कंधों को मत झुकाओ अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, ये काहिलों की तरह बैठना बंद करो। स्लाउचिंग मीन्स होता है काहिलों की तरह बैठना, और हंच मीन्स होता है झुकना, कंधे को झुकाना। हंच योर शोल्डर्स इट मीन्स कंधों को झुकाना। तो उसकी मदर उससे कहती हैं या उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं कि ये काहिलों की तरह मत बैठो, सिट अप स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे होकर बैठो अमांडा। अब अमांडा क्या सोचती है, अमांडा की थिंकिंग जानते हैं। देयर इज़ एन लैंग्विड इमरलैंड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अमांडा सोचती है कि चारों तरफ एक ग्रीन कलर का समुद्र है, सी है, जहाँ की एक अकेली निवासी मैं हूँ। इनहैबिटेंट मीन्स निवासी, एक अकेली निवासी मैं हूँ, और मैं क्या हूँ, एक मरमेड हूँ, यानी कि जलपरी हूँ, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो पूरे पानी में बड़े ही आसानी के साथ तैर रही है, और उसके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है। आगे देखते हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अब देखिए अमांडा के पेरेंट्स उससे क्या कह रहे हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, टाइडी मीन्स साफ करना, क्या तुमने अपना रूम साफ किया अमांडा, आई थॉट, मुझे लगता है कि मैंने तुमसे अपने शूज क्लीन करने के लिए कहे थे अमांडा, क्या तुमने अपने शूज क्लीन किए अमांडा। अब अमांडा क्या सोचती है, आई एम एन ऑर्फेन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट। अमांडा सोचती है कि मैं एक अनाथ लड़की हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, जो इधर उधर सड़कों में भटक रही है, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट, और मेरे नंगे पैरों में मैंने कई बहुत सारी धूल मिट्टी भर रखी है, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट, जो सन्नाटा है वो बड़ा ही अच्छा है और फ्रीडम है बहुत ही स्वीट है। वो ये सोच रही है कि जब ये एक अनाथ होगी, जब इसको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं होगा, तो चाहे वो नंगे पैरों से घूमे, चाहे वो पैरों में धूल मिट्टी लगा के घूमे, कोई भी उसे उसके शूज़ साफ़ करने के लिए, कोई भी उससे उसके पैर साफ़ करने के लिए नहीं बोलेगा, कोई भी उसे रोकेगा टोकेगा नहीं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब अमांडा के पेरेंट्स उससे कहते हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, उस चॉकलेट को मत खाओ अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, एक्ने मीन्स होता है मुहासे, अपने चेहरे पे निकल रहे एक्ने को ध्यान रखो, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, क्या मैं जब तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मेरी तरफ देख सकती हो अमांडा। अब अमांडा क्या सोचती है, आई एम अ रैपंज़ल, आई हैव नॉट केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, I'll certainly never let down my bright hair. तो अमांडा सोचती है कि मैं एक रैपंज़ल हूँ। रैपंज़ल क्या है, इट इज़ अ फेरी टेल, जिसमें कि रैपंज़ल नाम की जो गर्ल होती है वो एक टावर में रहती है, और उस टावर में उसके बहुत ही सिल्की और लंबे बाल होते हैं जो टावर से नीचे डालती है, तभी उसके हेयर्स को पकड़ के वो एक जो डायन है वो ऊपर टावर पे चढ़ती है। तो वही सोच रही है कि मैं एक रैपंज़ल हूँ और एक
ऐसे टावर पे रहती हूँ जहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है, और अगर मैं एक रैपंजल होती तो मैं अपने साइनी हेयर्स को कभी भी उस डायन के लिए ना लटकाती, ऐसा वो सोच रही है। ये देखिए, ये देखो, ये इमेज दी हुई है, ये उसी की है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनी वन वुड थिंक दैट आई नैक्ड एट यू अमांडा। अब उसकी मदर उससे क्या कह रही हैं अमांडा से, एक मिनट। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, कि अमांडा, सल्किंग मीन्स होता है मूड खराब होना, बैड मूड में होना, कि हमेशा अपने मूड को ख़राब करना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा बहुत ही मूडी रहती हो, कभी तुम्हारा मेंटली बैलेंस फिक्स नहीं रहता है। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, कोई भी देखेगा तो यही सोचेगा कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती हूँ, हैरेस करती हूँ अमांडा, तो ऐसा उसकी मदर उससे कहती हैं। तो देख, यहाँ पे जो है एक टीनेजर गर्ल की मेंटल सिचुएशन को दिखाया गया है। बच्चों की कई बार एक जब हम लोग टीनेज में जाते हैं तो कैसी लाइफ आ जाती है जहाँ पे हमें किसी का रोकना टोकना पसंद नहीं आता है। इवन अगर हमसे कोई अच्छी बात भी कह रहा होता है तो वो बातें हमें बुरी लगती हैं, और हम अपनी एक अलग ही लाइफ चाहते हैं, बिल्कुल सिंपल सी लाइफ जिसमें कोई रोके टोके ना, हम अकेले ही अपना समय स्पेंड कर सकें अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर दो तरह की साइकोलॉजी को दर्शाया गया है, एक साइकोलॉजी पेरेंट्स की और एक साइकोलॉजी बच्चों की, कि वो अपनी लाइफ को कैसा चाहते हैं और उनके पेरेंट्स उनसे किस तरह की लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं। सो आई होप कि ये पोएम आपको समझ में आई होगी, और ये यहाँ पे मैंने इसकी कुछ वर्ड मीनिंग्स दे रखी हैं, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो बच्चों को बहुत सारी समस्याएं देते हैं। देखिए, हंच मीन्स होता है बेंड यानी कि झुकना, स्लाउचिंग सिटिंग इन लेजी वे मतलब काहिलों की तरह बैठना, लैंग्विड मीन्स रिलैक्स या आरामदायक, इमरलैंड मीन्स होता है ग्रीन कलर, इमरलैंड सी था तो ग्रीन कलर का सी, इनहैबिटेंट मीन्स निवासी, ड्रिफ्टिंग मीन्स पानी में तैरना, ठीक है, ब्लिसफुली मीन्स खुशी से, ऑर्फन मीन्स अनाथ, हस्ड मीन्स शांत, और एक्ने मीन्स मुहासे यानी कि पिंपल। रैपंजल जो है वो एक गर्ल है जो उस टावर में रहती थी। ट्रैंक्विल मीन्स होता है शांत, रेयर मीन्स अनकॉमन जो मिलना मुश्किल हो, ठीक है, सल्किंग मीन्स बैड मूड होना, मूडी मीन्स अस्थिर, और नैग मीन्स प्रताड़ित। ठीक है, तो आई होप कि ये पोएम आप लोगों को समझ में आई होगी, और ऐसी ही और पोएम को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप लोग कमेंट में लिख दिया करिए अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो मैं ध्यान रखूँगी आगे से उस वीडियो को बनाते वक्त मैं आपकी उस प्रॉब्लम को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।